भैया ब्लड बैंक लड़ना स्टूपिड बोला अरे भैया नहीं खुल रहा है एक मिनट पापा अरे मुझे पता है भाई दर्द तू चल दस चल छोड़ी इधर देखो हॉस्पिटल के गेट पे खड़े रहो किसी को भी बाहर जाने नहीं देना तुम जाओ मैं यहाँ देखता हूँ टॉर्च ले आओ जाओ जल्दी कालिया नाग ने यमुना नदी पर कब्जा करके पूरे गांव पे कहर ढाया हुआ था। सब गांव वाले उस कालिया नाग से बहुत डरते थे सिवाय के कृष्ण कन्हैया के। नदी में गिरी हुई गेंद लेने के लिए जैसे ही श्री कृष्ण कन्हैया पानी में कूदे उस कालिया नाग ने उन्हें डसने की कोशिश की। तो बच्चों बांसुरी बजाकर श्री कृष्ण कन्हैया ने कालिया मर्दन किया लेकिन कालिया नाग को अपने वश में करके जगत को प्रभु ने यह संदेश दिया कि उसमें छुपी हुई बुराई का नाश करो बराबर। इधर ढूंढो इधर डॉक्टर्स नेम फादर्स नेम ये नहीं है पापा कोई भी ले लेते हैं ना सब लाल ही तो है तुझे हरे नीले गुलाबी पिंक ऐसे ऑप्शंस भी चाहिए हा? अरे ऐसे नहीं चलता किसी का भी खून नहीं ले सकते। भैया मिल गया भैया देखिए मेरा ब्लड मिल गया इसमें लिखा हुआ है शरद घोटाला फर्स्ट टाइम ब्लड डोनर। yes! इसमें पी लीजिए तो वापस ये आपके अंदर चला जाएगा। अरे ये रोज मिल्कशेक नहीं है कि इंसान खून नहीं पीता पीते हैं और कहते हैं तेजा मैं तेरा खून पी जाऊंगा। कौन है वहां पे चुप अरे बोलता क्यों नहीं कौन है कौन छुपा है कहाँ है कौन है? पापा कोई पूछ रहा है हम यहाँ नहीं है ऐसे बोल देते हैं। नहीं नहीं क्या हम यहाँ नहीं ऐसे बोल देते चुप कौन है? अरे भैया वो इंसानी वीडियो देखा था ना जिसमें इंसान दूसरे इंसान को गुमराह करने के लिए वो जानवर की आवाज निकालते हैं। तो कौन सी जानवर की निकाले भैंस की चुप है भैंस की क्या आवाज निकाले तीन भैंसे घुस गई है यहाँ छोटा जानवर चाहिए छोटा जानवर। कौन है बाहर निकलो यहाँ से कौन है? बिल्ली 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 की आवाज कैसे होती है? हाँ मुझे पता है मैं आऊं मैं आऊं मैं आऊं मता कौन है कौन है? म्याऊं म्याऊं बिल्लियां घुस आई है लगानी पड़ेगी। भैया बिल्ली ऐसे चप्पल वापस नहीं मारती। निकल 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 बाहर बाहर निकल बाहर आओ कौन है? चल 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 कौन है? चल हेमंत हेमंत चलो मैं तो कंपनी में रहा हूँ भागने में कंपनी इधर 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 इंद्रदेव ने अपने अभिमान के वश में आकर पूरे गांव पर वर्षा से आक्रमण किया। मुझे तो ये वर्षा पे आक्रमण करने का मन हो रहा है। इतनी वर्षा हुई कि पूरा गांव पानी में डूब गया। बस ट्रेन ऑटो सब बंद हो गए, इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई, सब लोग रास्ते में फंस गए सिवाय मितेश प्रीतेश के पापा क्योंकि वो घर से बाहर निकलते ही नहीं थे। आलसी राम। ओहो, चुप रहो बच्चों, कल से ये जाएगा। हाँ? बाबा जाएगा ना, तूने भैरवी से वादा किया है। देखा? और अभी तू मेरी कहानी के बीच में घुसी ना तो तू घर से बाहर जाएगी और वापस भी नहीं आएगी। और बच्चों, गांव वालों को उस प्रलय से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक उंगली पर उठा लिया गोवर्धन पर्वत को और सब गांव वाले वो गोवर्धन पर्वत की शरण में आ गए। आप क्या करेंगे भैया? मुझे कुछ समझ में नहीं। सुबह तुम डॉक्टर बन के घुसा था ना? हाँ। जल्दी चलो। हेलो सर, ये तो होने वाला है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। नरकासुर को उसके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और उसका वध किया। कृष्णा, मारे से युद्ध कर। हिम्मत है तो थारे सुदर्शन चक्र से मारी मुंडी काट, कटी तो नहीं तो। अच्छा, तो अभी अगली कहानी कौन बताएगा? बस आंटी भावना, स्टोरीज का टाइम खत्म हो गया है। अभी हम लोग मटकी फोड़ेंगे। पटरेश, इधर लेके जाओ। चलो चलो। बस ये लिमिट होता है मैन, लिमिट। ईसा, थोड़ा टाइम अपना स्विमिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? तैरना। हाँ, थोड़ा टाइम तैरना मैन। नहीं, नहीं तैरेगा मैन। अगर तुम मेरे को रोका ना तो मैं तुमको ऐसा अटकाएंगा हाँ कि तुम हिंदी में भी नहीं अटकने को सकेगा। ओके? एक लिमिट होता है रोनी, सीरियसली। आंटी भावना, भैरवी, बद्रेश अपना पड़ोसी धर्म निभाने के वास्ते जन्माष्टमी और ये शिशिर का बर्थडे ऐसा मिक्स किया हा? और ये घोटाला फैमिली। ओके ठीक है, उनको ये जन्माष्टमी फेस्टिवल का कोई परवाह नहीं है। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अपना खुद का शिशिर का बर्थडे तो मनाने को मांगता है कि नहीं ऑन टाइम करता है। अरे पर हेमंत भैया तो आई नहीं, जा कर रहा है। आ जाएंगे, चिंता मत करो। ये पहली जन्माष्टमी है जब हमारी कॉलोनी में किसी ने मटकी फोड़ने में इतना इंतजार करवाया है। चलो चलो सब लोग, मटकी उतारता है मैन। कम ऑन। लीजा, हमने इतनी देर इंतजार किया है तो 5-10 मिनट और रुक जाते ना। हाँ नहीं नहीं भावना आंटी, मुझे तो सॉरी कहने का भी अधिकार नहीं है। लीजा, शिशिर फोड़ लेगा मटकी। अरे वर्षा मैन, मैं ये शिशिर का वास्ते बोलता है, इसका बर्थडे है। चलो चलो अभी लाइट ऑन करो मैन। कहाँ जा रहा है मैन? करते रह जाओ, लाइट ऑलरेडी ऑन हो गया है। अंकल ओझा, बद्रेश, रोनी, ऐसा सर्कल बनाओ। हाँ। शिशिर हम खून तुम लोग खून करके आए हो? नहीं, वो क्या खून पसीने की कमाई से हम ये रिटर्न गिफ्ट्स लेकर आए सबके लिए। ओहो, इसके वास्ते तुम लेट। भाभी, सच्चा झूठ का हिसाब हम बाद में करेंगे, फिलहाल फंक्शन संभालते हैं। हाँ। चलिए सब लोग सर्कल बनाइए। चलो चलो आजा। चलो बोलो शक्ति। तो मुझे भी याद रखता है बलराम के साथ साथ। अरे आप ही हैं मेरे बलराम। नहीं, मेरा नाम तो हेमंत है और -426 भी। हेमंत भैया, आपका नाम -426 है, तो आपके बाकी फैमिली के नंबर वाले नाम क्या है? मेरे पापा 9211, मेरी मम्मी 1721, मेरे चाचा 87 स्क्वायर और मेरा छोटा भाई शिशिर 225। तो तुम्हारे घर पे एक दूसरे को ऐसे ही बुलाते होगे ना, और जहाँ से आए हो वहाँ भी ऐसे ही पेश आते होगे ना। हमारे घर में हम कैसे जीते हैं ये किसी को नहीं बोलना है। वैसे मेरे पापा पूरा दिन घर पे बैठे रहते हैं, ये भी हम किसी को नहीं बता सकते, लेकिन सबको पता चलता है क्योंकि दिखता है ना। अच्छा मतलब आपके घर पे क्या क्या होता है ये बोलना मना है ना, दिखा तो सकते हैं ना। कैसे? वो मैं आपको कल समझाऊंगा। तब तक आपके लिए ये गिफ्ट। अरे वाह पापा, मैंने पाई जोड़ के खरीदी है ये गिफ्ट। सबको पता चल जाएगा तो सब मेरे से गिफ्ट मांगेंगे, प्रीतेश मुझे गिफ्ट दो, प्रीतेश मुझे गिफ्ट दो। और मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? आप ये घड़ी पहन लीजिए, और मैंने आपको ये घड़ी दी है कि आपका और मेरा सीक्रेट रहेगा, वरना आप मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं रहेंगे, मैं अकेला हो जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ये घड़ी तेरा और मेरा सीक्रेट रहेगा। आप कितने भोले हैं हेमंत, और भोले ही रहना ताकि मैं साबित कर सकूं कि आप तो। और तू मेरा बेस्ट फ्रेंड। आई लव यू। नंबर 2 तो हो गया। प्रीतेश, तूने हेमंत भैया को गिफ्ट में घड़ी तो दे दी, अब वो घड़ी में छुपा कैमरा कोटाला फैमिली के घर में जो हो रहा है वो रिकॉर्ड करेगा। मतलब अगर वो लोग एलियंस हैं तो कोई तो ऐसी हरकत जरूर करेंगे जो इंसानों से अलग। मितेश भैया कैची लीजिए और अगर को काट दीजिए, क्योंकि वो लोग अलग हरकत नहीं अलग पावर इस्तेमाल करेंगे, और वो सब रिकॉर्ड होगा हेमंत भैया की घड़ी में। लेकिन प्रीतेश, हेमंत भैया ने वो रिकॉर्डिंग वाली बात अपनी फैमिली को बता दी तो? मितेश भैया अपने पापा के नए रेजर से पेंसिल शार्प की थी, आज तक मैंने किसी को बताया है नहीं। तो क्यों? क्योंकि मैंने तुझसे प्रॉमिस लिया था कि हम दोनों का सीक्रेट रहेगा। करेक्ट, और मैं प्रॉमिस तोड़ भी सकता हूँ अगर जरूरत पड़ी तो। अरे हेमंत भैया तो मेरी रिमोट कंट्रोल वाली कार है, जैसे चलाऊंगा वैसे ही चलेंगी। और प्रीतेश, हेमंत भैया को रिकॉर्डिंग करना आएगा? मितेश भैया इतने साल से मेरी टीचर भी नहीं पूछती। तो स्टेप नंबर 4 है। अरे स्टेप नंबर 3 तो सुनो। स्टेप नंबर 3 मुझे पता है, वो साले कॉलोनी वाले मेंबर्स में सवाल पैदा करेगा कि कोटाला फैमिली सबसे इतनी अलग थी, और उनको जवाब मिलेगा हेमंत भैया की रिकॉर्डिंग देखकर।